स्टूडेंट आप आए इक्वेशन डिस्कस कर सकते हैं n इज इक्वल टू n log e रे पावर माइनस लैम्डा t, n इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिक्लेयर्ड, ओके, एंड n नॉट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन क्यू, मतलब सब तो पहले ने न्यूक्लियाई है, तो ये कोई सैंपल है और मान लो ताकि बोलो 1000 न्यूक्लियाई है, ठीक है, नीचे ठीक है, तो पहले ओके हो गया, तो n नॉट पे ठीक है, मान लो से टाइम t से 10 सेकंड बाद या 20 सेकंड के बाद ना ਤੁਹਾਡੇ 100 ਪਾਰਟੀਕਲ ਡਿਕੇ ਹੋਈ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਿਆ 100 ਪਾਰਟੀਕਲ ਡਿਕੇ ਹੋਈ ਗਏ ਹੁਣ ਅਨਡਿਕੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 1000 ਮਾਈਨਸ 100 ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 900 ਉਹ ਹੈਗਾ ਤਾਂ n ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਲੈਫਟ ਅਨਡਿਕੇਡ ਐਟ ਟਾਈਮ ਅਪ ਟਾਈਮ t ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਲੈਂਬਡਾ ਕਿਹਾ ਡੀ ਸੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੀ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਆ ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕਿੰਨਾ ਇਨਵਰਸ ਆਫ टाइम मींस पर सेकंड ओके सो ग्राफ कर दें भाई यहां पर एक्स एक्सिस वाला अपन लेते हैं टाइम वाई एक्सिस वाला लेते हैं अपन कैपिटल एन कैपिटल एन क्या है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिके जेडी अनडिके रहे वो देगा अपन का ठीक है केवली ग्रो हो गया एक्सपोनेंशियल होंगे और सारे न्यूक्लियाई के होने टाइम काफी लगेगा तो ठीक है हां देखो एक्सपोनेंशियली है डिक्रीज हो रहा है ठीक है ये जो टाइम आ रहा है पार्टिकल जेड़े हट के रह रहे हो घटी जा रहे हैं मतलब ज्यादा पार्टिकल की हो रहा है डिके हो रहा है ठीक है जी और नेक्स्ट आप करते हैं नवी टर्म हाफ लाइफ हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एनर्जी रेडियोएक्टिव हाफ लाइफ का अपन नोट करते हैं पी ओडे सबस्क्रिप्ट के लिख देते हैं 1 बाय 2 लिख देते हैं ठीक है हाफ लाइफ के यानी कि जो तुम्हारे मान लो मेन भी तुम्हारे कितने हैं इन प्रेजेंट है एन नॉट है कितने अनडिक्लेयर है यार हाफ रह जाए कितने रह जाए हाफ अनडिक्लेयर रह जाए ठीक है उन्होंने भाई वो टाइम ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ ਡਿਕੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਹਾਫ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਅਨਡਿਕੇਡ ਰਹਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਮਤਲਬ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅਨਡਿਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਨੈਨੋ ਬਾਈ 2 ਜਿਵੇਂ 1000 ਨੇ 1000 ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ ਜਦੋਂ 500 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਆਏਗੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਫਸਟ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਓਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰੋਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ n / 2 ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਹਾਫ ਕਰੋ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਸੀ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ 500 ਹੋ ਗਿਆ ਫਸਟ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣੇ ਕਿੰਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਅਨਡਿਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਫੇਰ ਹਾਫ ਕਰੋ 250 ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ n / 4 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ n / 8 ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ n = n₀ e ਰੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਲੈਂਡਾ t n ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ n₀ / 2 by definition n₀ cancelled ठीक है ये आ गया तुम्हारा 1 / 2 is equal to e raised to power minus lambda t ठीक है फोन तो की एक्सपोनेंशियल लो नीचे ला लो मैं इसे कर देना नु पहले नोट सम सेंड करना है प्रॉपर्टी डेफिनेशन तो की लिख रहा ठीक है ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 1/2 1 ਓਵਰ 3 ਦੇ ਪਾਵਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ t ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ t ਪਾਵਰ ਲੈਂਦਾ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਲੈਂਬਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 3 ਦੇ ਪਾਵਰ ਲੈਂਦਾ t ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੌਗ ਲੈ ਲਓ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਲਓ ਲੌਗ ਔਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ
log e to is equal to lambda t half. ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ e ਦਾ log e ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉਹ lambda t half ਆ ਜਾਊਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ log e ਕਰੋਗੇ log e ਦਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ log e ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ 1 ਪਏਗਾ. ਠੀਕ ਆ, ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ log e ਹੁੰਦੀ 0.693 lambda t half. तो t half इक्वल आ गया 0.693 बाय लैम्डा. है रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके ठीक स्टूडेंट्स, सो जे मैं इधर तुम एक फॉर्मूला पर ड्राइव करते हैं, एक रे फॉर्मूला ड्राइव हो गया ना, एक और फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं उनमें क्या मिला सकता वहां अप्लाई करेंगे. इतने पहला हाफ लगा, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स किन्हें आए थे यानी के एन नॉट बाय टू. सेकंड हाफ आया था, इधर हाफ आया था है ना, इंडियन के केट आया था. थर्ड हाफ आया था, क्यों दिया. फोर्थ हाफ आया था, देखो इतने क्या है 1/2 है ना, इतने क्या 1/2 to the power 4 आ रही है. ठीक है, तो इधर मैं जनरलाइज करके एक फॉर्मूला मैं बना सकता हूं, की बना सकता हूं क्या है n नॉट. सो मेरे t हाफ बाय का अपन जनरल फॉर्मूला में बना सकते हैं, t हाफ बाय जो 1 ही 2 की पावर 1 है, जो 2 ही 2 की पावर कितनी है 2 होगी, तो 3 ही 3 2 की पावर कितनी है 3. मैं इनको ट्रैक के लिख रहा हूं. ठीक है, कितना आ गया मेरा n नॉट, सॉरी n कितने को आ गया n नॉट बाय 2 2 की पावर 2 रेज टू पावर n आ गया. एंड ऑफ रिकॉर्ड किया है 1/2 पावर एन. ठीक है, ठीक स्टूडेंट्स, एन इक्वल क्या था भाई, एन इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइन. ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला ड्राइव हो गया, काफी जगह प्रैक्टिस यूज कर सकते हैं अपन. जब अपन ये पता करना है कितने फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल की है ने एंड के है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं जी, n ओवर n नॉट इज इक्वल टू 1/2 बार n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइंस. मतलब इन में कितना लिखते हैं n इज इक्वल टू, मान लो किसी टाइप p से कुछ नोट किया, ठीक है, कितने पार्टिकल n रह गए है ना, ओवर t हाफ लाइंस ऑफ ये तो आ जाएगा. और टोटल टाइम टी है ना हाफ लाइफ, तो पता रहेगा तो ये तो फाइंड करोगे तो कितनी हाफ लाइफ है. ठीक है, उदित भाई पकड़ आओ, मतलब ए ने का डायरेक्ट हाफ लाइफ से देते हो तो टाइम तो सकता टी हाफ लाइफ को भी देते हो सकता, ये तो ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ की करोगे कैलकुलेट करोगे. ठीक स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है अपना जो आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स एवरेज लाइफ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. ठीक है, एवरेज लाइफ टाइम. सो मैं कैसे कैलकुलेट करांगे, सो तो पहले तो डेफिनेशन लिखो, इट कैन बी पेड बाय कैलकुलेटिंग द नंबर टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ द एलिमेंट एंड डिवाइडिंग इट बाय द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ द एलिमेंट. कि मैं देख सकता मैं हाफ लाइफ दो दिन आज नोट कराऊंगा, इट इज इक्वल टोटल लाइफ टाइम
टाइम ऑफ ऑल द एटम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो पहले एक्सपोज करना कि टी जीरो टाइम हूँ तो आर्टिकल आप करना कि कितने पार्टिकल है कितने एन नॉट कितने है कितने एन नॉट पार्टिकल्स है कितने तो टाइम टी दे कितने रहेंगे पार्टिकल कितने रहेंगे पार्टिकल एन पार्टिकल लेफ्ट आर्टिकुलेट रहेंगे अपने। ठीक है जी, ठीक स्टूडेंट्स देखो जो अपने को है डीएन पार्टिकल डीएन एटम। ठीक है, एक एटम पहले टाइम से डिग्री करता यदि हाँ यदि लाइफ टाइम में गया डी टी। ठीक है, एक एटम एक एक एटम तो डीएन एटम में कितना आएगा सॉरी डी टी नहीं तो टी ला लेना आप डी। ठीक है, सो टोटल लाइफ टाइम कितना हो जाएगा सारे एटम का टी इंटू डी एन ओवर नंबर ऑफ एटम्स इधर इंटीग्रेशन अपन कितनी करनी टोटल का फाइंड करना है डीएन है ना टोटल कितने हैं एन पार्टिकल। ठीक है, और देखो डीएन ना डीएन अपन कैलकुलेट करना है हम पता है एन की पूरा एन नॉट माइनस लैम्डा टी। सो डीएन मीन्स यदि डिफरेंशिएशन कर दो डीएन ने की एन नॉट के होता है नेगेटिव का कांस्टेंट यानी डिफरेंशिएशन करोगे ई दे आपको नहीं पता होगा सेम रहेगी ये यानी टी दी हो रही है ये माइनस लैम्डा ई टू पावर माइनस लैम्डा टी। ओके, सो तो अब क्या होएगा ये डीएन की वैल्यू आएगी माइनस लैम्डा एन नॉट ई रे टू पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है जी, इनटू डी टी। ओके, टी नाम कर रहे हैं पहले अभी इनटू क्या आना डी टी आ रहा है। सो की है इथे हम देखो डीएन नो है तो डीएन की लिमिट्स है यानी 0 नो एन नॉट। ठीक है जी, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਡੀ ਟੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੀ ਜੇ ਦੀ ਲਿਮਿਟਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਟੀ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਐਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ੀਰੋ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਆਪਣੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਇਹਦੇ ਜੋ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਐਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ। ਠੀਕ ਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੀ ਜੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਲੈਂਬਡਾ ਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਲ ਟੀ ਜੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਲੈਂਬਡਾ ਟੀ। माइनस लैम्डा एन नॉट ई रे टू माइनस लैम्डा टी इनटू डी टी ओवर नंबर ऑफ कितने पार्टिकल है टोटल नंबर ऑफ एटम है एन नॉट। एक ना थोड़ी इधर भी चेंजेस कर लियो जो एन नॉट है ना ये ना देखिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इनिशियल इतने ताकत पे एन नॉट ऑफ सारे ना टोटल का लाइफ टाइम। ठीक है, तो नेक्स्ट थोड़ी जी अपना काम रहेगा इंटीग्रेशन कैसे काम रहेगा यही तो थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है मेडिकल के स्टूडेंट है ने क्योंकि इंटीग्रेशन फॉर्मूला नहीं पढ़े
आएगा मेरा हूँ ये देखो जी ये हो रही है माइनस लैम्डा ने एन नॉट टाउ ये बाहर आ गई की आ जाएगी बाहर आ जाएगी ठीक है। एक होर गल जो आप लिमिट्स इन्हों चेंज करते हैं बाहर माइनस साइन आए माइनस माइनस इतने की हो जाएगा प्लस हो जाएगा कर देना जीरो टू इनफिनिटी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लैम्डा एन नॉट बाहर आ गया इधर की आ जाएगा ई रेज़ टू पावर टी इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी डी। सो ए असाइनमेंट है नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स की वो इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे ठीक है। फिलहाल मैं तुम्हें इन्ना दस देना कि आप एक यू मान लेना दूजे पी ओके इंटीग्रेशन आएगा आई दे फिलहाल तुम्हें रिजल्ट डायरेक्ट तुम याद रख लो जो तुम टॉपिक आएगा मैथमेटिक्स में चलो तुम्हें प्रॉपर सॉल्व कर लेना सो मैं इतने डायरेक्ट सीधा के रिजल्ट लिखा तो ये इक्वल आ जाएगा 1 ओवर लैम्डा के इक्वल एवरेज लगता है ठीक है जी सारे एटम ए है। सो हाफ लाइफ कर लिया अपना एवरेज लाइफ टाइम कर लेना तो नेक्स्ट रहेगा अपना एक्टिविटी या हम कहने पर डिके रेट ये टॉपिक रहेगा ठीक है जी। इनको सिंपली कर लेना इनको तुम उदो कर लेना जब तुम इंटीग्रेशन कर लो इनको उदो सॉल्व कर लेना वैसे डायरी प्रॉपर बुक्स के लिए देख लेना